हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चाट मसाला की रेसिपी। वैसे तो चाट मसाला बहुत ही आसानी से बाज़ार में भी मिल जाता है, पर घर पर बनाए हुए चाट मसाला की बात ही कुछ अलग होती है। चाट मसाला बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गैस पे रखा है और इसमें हम डालेंगे आधा कप साबुत धनिया और इसी के साथ हम डालेंगे आधा कप जीरा और इसके साथ हम डालेंगे एक टेबल स्पून सौंफ। साथ में हम इसके डाल रहे हैं 25 से 30 काली मिर्च के दाने। सबको हम एक साथ भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा हुआ है। मसालों को हम लगातार चलाते रहेंगे। ये मसाला बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है और आप इसका काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मसाले थोड़े भून चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। मैंने अजवाइन पहले नहीं डाली थी क्योंकि अजवाइन जो है बहुत जल्दी से भून जाती है, तो हम इसे थोड़ा बाद में डालेंगे। अब हम अजवाइन को भी बाकी मसालों के साथ करीब एक मिनट के लिए और भून लेंगे। सभी मसालों को भूनने के लिए हमें करीब 5 से 6 मिनट का समय लगा है। मसाले भून चुके हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा करने के बाद हमें मसालों को ग्राइंड कर लेना है। मसाले ठंडे हो चुके हैं और हमने इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसमें कुछ और भी मसाले अभी ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून हम डालेंगे हींग। हींग से जो है चाट मसाला का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। हाफ टेबल स्पून डाल रहे हैं सौंठ का पाउडर और इसी के साथ 1 टेबलस्पून काला नमक और 2 टेबलस्पून हमने लिया है वाइट वाला नमक। और उसके बाद इसे खट्टापन देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप आमचूर पाउडर, या जिसे हम खटाई भी कहते हैं। सभी मसालों को हम एक साथ ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसे छलनी में से छान भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल मैंने इसमें कम ही किया है। अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी को इनक्रीज़ कर सकते हैं। चाट मसाला बनकर के रेडी है। आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में और आप इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी टेस्टी यमी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।